शिक्षक लेखापाल पटवारी यूपी पुलिस पुलिस बिहार किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें कि फ्रेंड्स आपको जीके के जी क्वेश्चंस आते हैं तो उन सारे एग्जामों के लिए फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए बहुत ही जानदार शानदार दमदार होने वाला है तो बिल्कुल जी जल्दी से जल्दी सभी दोस्त सभी फ्रेंड्स सभी साथी क्लास को शेयर कर लीजिए फैला दीजिए जितना ज्यादा आप क्लास को शेयर करेंगे आपके सभी दोस्त आपके क्लास में रहेंगे और उन्हें भी हां जी साथियों उन्हें भी, भी यहां से एग्जाम प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है उन्हें भी यहां से फ्रेंड सिलेक्शन लेने का मौका मिलता है तो बिल्कुल क्लास शुरू लगाने जा रहे फ्रेंड्स क्लास को शुरू करने जा हैं उम्मीद भी आपसे रखता हूं उम्मीद भी आपसे करता हूं कि आपके जितने भी दोस्त हैं जितने भी फ्रेंड्स हैं धीरे धीरे आपके क्लास में भी प्रेजेंट जरूर हो जाएंगे फ्रेंड्स धीरे धीरे करके प्रेजेंट जरूर हो जाएंगे तो बिल्कुल जी क्लास को श्री गणेश करेंगे क्लास की शुरुआत करेंगे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन से ठीक है धीरे धीरे लेवल बढ़ती जाएगी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन कि तो जी तो जल्दी से फैला दीजिए क्लास को शेयर कर लीजिए फटाफट फड़ शेयर कर लीजिए जल्दी जल्दी फैला दीजिए बिल्कुल तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं श्री गणेश करते हैं कुछ फ्रेंड्स आ चुके हैं और उम्मीद है कि धीरे धीरे जितने भी दोस्त हैं जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके क्लास में टोटल के टोटल आएंगे उम्मीद है पूरा भरोसा में पूरा उम्मीद है और आज की क्लास में आप सभी छात्रों का प्रेजेंटेशन भी रहेगा हमें उम्मीद है तो नारियल का जो फ्रेंड्स पानी है यह क्या है बिल्कुल बहुत सारे दोस्त का ऑलरेडी आंसर आ चुका है बहुत पहले से आंसर आ चुका है जो कि बिल्कुल सही किया आपने बिल्कुल राइट किया सर आपने कि तरल एंडोस्पर्म सर ऑप्शन नंबर डी को जिन्होंने लॉक कर चुका है बिल्कुल सही किया है बिल्कुल राइट किया है आते हैं अगले क्वेश्चंस के पास और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जितने भी क्वेश्चन लगाऊंगा ना आपके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगाऊंगा आज सोनी कुमार जी रोहित यादव जी दीपक जी हाँ जी हाँ जी आनंद चौधरी जी तो आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर लीजिए वीडियो को फैला दीजिए क्योंकि जितना ज्यादा फ्रेंड्स आप क्लास को शेयर करते हैं जितना ज्यादा वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास पहुंचाते हैं हमें उम्मीद है पूरा भरोसा है कि आपके दोस्त भी आते हैं आपके फ्रेंड्स भी आते हैं और उन्हें भी यहाँ से एग्जाम प्रिपरेशन करने का मौका जरूर मिलता है तो सेकंड क्वेश्चन है से कि बुलविल्स किस में भाग लेते हैं तो साथियों से काय जनरन ऑप्शन संभव जिन्होंने लॉक किया सर ऑप्शन संभव बताएंगे हाँ जी साथियों ऑप्शन संभव जीरो जिन्होंने लॉक किया बिल्कुल सही किया है बिल्कुल राइट किया बहुत अच्छी तैयारी फ्रेंड्स आपकी बहुत ही अच्छी वाली रिस्पॉन्स वेरी गुड फ्रेंड्स वेरी गुड अगली क्वेश्चन लगाइए एक एक प्रश्न आपका इंपोर्टेंट करें सबके लिए जो बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है वही प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं जो कि अभी आपके प्रेजेंट में एनटीपीसी के एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं

आपतन का जो होता है साथियों यह क्या होता है सोनी कुमार जी रोहित जी आनंद चौधरी जी दीपक जी सभी फटाफट आंसर कीजिए और जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स क्लास को शेयर भी कर लेंगे मैं उम्मीद करता हूं आपसे पूरा उम्मीद रहता है मैं आपसे हाँ जी साथियों शब्द इंसुलेशन यानी कि आपतन का जो अर्थ होता है साथियों यह होता है आपका आने वाली सौर विकिरण हाँ जी सर ऑप्शन को लॉक करना चाहेंगे सर वी रहेगा सही आंसर वी रहेगा राइट सुपर तैयारी तो आपका है ही फ्रेंड्स और रिस्पॉन्स भी आपकी अच्छी है तैयारी भी बेहतरीन है बस इस तैयारी को फ्रेंड्स आपको रखने की जरूरत है इस तैयारी को साथियों आपको रेगुलर रखने की जरूरत है अगले प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे आंसर कीजिएगा कि टेरा सोशा सॉरी टेरा रोशा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स जिसका अर्थ क्या होता है हाँ जी हाँ जी वेरी गुड फ्रेंड्स वेरी गुड आंसर करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे क्लास को जल्दी से शे शेयर भी कर लेंगे तेरा एक लैटिन शब्द है जिसका जो अर्थ होता है साथियों हो, यह क्या होता है तो जिन्होंने सर यहां से ऑप्शन संभव बिल्कुल जिन्होंने सर यहां से ऑप्शन संभवी को लॉक लौ, किया फ्रेंड्स की लाल भूभाग होनी चाहिए फ्रेंड्स यहां से भूभाग यानी कि क्षेत्र ऑप्शन जिन्होंने लॉक किया फ्रेंड्स बिल्कुल सही किया बिल्कुल राइट किया सुपर तैयारी आपकी सुपर रिस्पॉन्स है बहुत अच्छी तैयारी बहुत अच्छे स का हाँ जी हाँ जी रोहित जी दीपक जी राजकुमार शर्मा जी और जो क्लास में, क्लास को भी करेंगे उम्मीद तो हमें है ही हमें आपसे भरोसा भी है कि आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स आपके सभी साथी फटाफट क्लास को शेयर भी जरूर करेंगे बिल्कुल साथियों दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण जो है यह उपकरण कौन है बताइए दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त तो जो पेंट से उपकरण है यह उपकरण कौन सा है बताइए बिल्कुल एक एक प्रश्न में इंपोर्टेंट कराऊंगा आपका एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराऊंगा और ये वाली भी प्रश्न में लेके आऊंगा बहुत जल्द ठीक है ये वाली भी प्रश्न में लाऊंगा आप टेंशन ना ले सारे चीज लाएंगे जी सारे चीज लाएंगे ठीक है जी हा जी हाँ जी बिल्कुल दूध की सगनता मापने के लिए जो तो फ्रेंड्स प्रयुक्त तो उपकरण है यह उपकरण क्या है जी तो यह उपकरण फ्रेंड्स आपका लैक्टोमीटर सर ऑप्शन फ्रेंड्सोमीटर शी को लॉक करना चाहेंगे सर ऑप्शन सही चाहिए बिल्कुल रहेगा बी रहेगा राइट आंसर सुपर तेरी साथियों सुपर आप सभी साथियों का नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट एवं आंसर कीजिए वीडियो को क्लास को जल्दी से शेयर भी कर लीजिए एक पहाड़ी पर डरते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात जो रखता है या किस अनुपात में रखता है आंसर कीजिए एक के बराबर रखता है एक से कम रखता है या एक से अधिक रखता है या एक से भी अधिक रखता है तो फ्रेंड्स वह जो रखता है ना इससे भी एक या एक से इससे भी अधिक रखता है सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना चाहेंगे बिल्कुल रहेगा सही आंसर डी रहेगा आपका राइट आंसर बहुत अच्छी तैयारी आप सभी दोस्तों की बहुत अच्छी तैयारी आप सभी फ्रेंड्स की नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पे तारों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स क्या कहलाती है तारों की की जो, जो जोड़ने प्रक्रिया होती है यह संयोजन कहलाती है नेक्स्ट लगाइएगा कंप्यूटर की गणनाएं करने के लिए कौन सी होता है बिल्कुल सिंपल प्रश्न है आसान प्रश्न है आंसर जरूर करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास को जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स शेयर भी जरूर कर लेंगे रोहित जी आनंद चौधरी जी दीपक जी सोनी कुमारी जी हाँ जी हाँ जी वीडियो को फैला दीजिए बिल्कुल को शेयर और क्लास में धुआं धुआं धुआ जरूर होगा अगर आप क्लास को शेयर करते हैं तो कंप्यूटरदायी के होता है बिल्कुल सर, बिल्कुल जो अपने सी को लॉक किया सर बिल्कुल सही बिल्कुल आपने राइट किया अच्छी तैयारी तो है बस इसे रखने की जरूरत है इसे आपको रेगुलर रखने की जरूरत है भारत की पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी जो स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स या कब हुई थी

कौन थी तो फ्रेंड्स इन्होंने लॉक किया यहां से ऑप्शन नंबर सी सर एनी बिल्कुल सही किया हाँ जी साथियों ऑप्शन नंबर सी सर एनी बेसेंट होगा बिल्कुल सही किया आपने बिल्कुल राइट किया सुपर आपकी तैयारी फ्रेंड्स आपकी सुपर वाले रिस्पॉन्स पे बहुत अच्छी तैयारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये स्क्रीन पे भारतीय संविधान में कितना मान्यता प्राप्त भाषा कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए क्लास को शेयर भी जरूर कर लीजिए जितना हो सके आप क्लास को जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास अपने साथियों के पास अपने अपने फ्रेंड्स के पास जरूर पहुंचा देंगे तो सर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को लॉक करना चाहेंगे सर डी जो की बाईस भाषाओं को मान्यता मिली है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुंबई से थाने जाने वाली भारत की प्रथम रेल किस सं मुंबई से थाने जाने वाली भारत की प्रथम रेल जो चला था फ्रेंड्स यह किस सन में चला था तो साथियों यादो चला था ना हाँ जी हाँ जी कब चला था बताइए मुंबई मुंबई से थाने जाने के लिए फ्रेंड्स कब चला था भारत की प्रथम 1853 ईसवी बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल राइट किया जी बहुत अच्छे आप सभी दोस्तों की बहुत जी मुंबई से ठाणे बहुत ही प्यारी लोकसभा सचिव की नियुक्ति कौन करता है साथियों लोकसभा के महासचिव की जो नियुक्ति तो लोकसभा अगली क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट और भी बेहतरीन और भी जानदार और भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं फ्रेंड्स किस आयु तक पद पर बने रहते हैं हाँ जी हाँ जी वेरी गुड जी वेरी गुड वीडियो को फ्रेंड जल्दी से लाइक कर लेंगे क्लास आपको अच्छी लगती है ना हमें फ्रेंड्स बहुत एनर्जी देता है हमें बहुत ही हौसला देता है आपकी क्लास को कंटिन्यू रखने में आपकी क्लास को रेगुलर रखने में हाँ जी साथियों वेरी वेरी गुड गुड जी ऑप्शन नंबर पैसठ वर्ष बिल्कुल सही किया आपने बिल्कुल राइट किया अगली क्वेश्चन लगाएगा फटाफट आंसर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए क्लास से जल्दी शेयर भी जरूर कर लीजिए इनमें से किसका अध्यक्षता और सदस्यता की जाती है आंसर कीजिएगा फटाफट नंबर सत्रह तो राज्यसभा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर अगली क्वेश्चन लगाइए भारतीय रियासतों के एकीकरण के प्रमुख भूमिका किसने निभाई निभाई थी हाँ जी शातियों किसने थी जी साथियों किसने बताइए आपका आंसर फ्रेंड्स आना ही चाहिए आपकी रिस्पांस आनी चाहिए बहुत अच्छी तैयारी है बहुत अच्छी रिस्पांस है तो आंसर आना ही चाहिए फ्रेंड्स आंसर तो आपका आना ही चाहिए भारतीय रियासतों की एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी साथियों तो यह जो निभात है सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना चाहेंगे बिल्कुल सही क्या आपने बल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर अगली क्वेश्चन कीजिए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए क्लास को शेयर भी जरूर कीजिए निम्न में से कौन सी वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के एक दोषी शिकार बन गए थे आंसर कीजिएगा मैं थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ कॉल आ रहा है ठीक है थोड़ा सा बिल्कुल फ्रेंड्स आंसर कीजिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा थोड़ा सा मैंने म्यूट किया था थोड़ा सा चलेगा बिल्कुल बिल्कुल क्लास शुरू हो चुका है स्टार्ट हो चुका है फटाफट आंसर कीजिए कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो फ्रेंड्स भाग है यह भाग कौन सा है बिल्कुल करेंगे करेंगे वीडियो को लाइक क्लास को फटाफट शेयर कर लेंगे हाँ, हाँ जी जी मैं थोड़ा म्यूट कर रखा था मैं थोड़ा सा म्यूट कर रखा था मैंने आपको बोला था ना बिल्कुल पंकज जी वेरी वेरी गुड इवनिंग मनुष्य के मस्तिष्क के जो सबसे बड़ा भाग होता है साथियों या क्या होता है तो सर परम मस्तिष्क सबसे संभव सी वाला को लॉक करेंगे सर बिल्कुल सही किया आपने बिल्कुल राइट किया है सुपर वाले तैयार तैयारी फ्रेंड्स आपकी सुपर वाली रिस्पॉन्स है बेहतरीन फ्रेंड्स आपकी बेहतरीन रिस्पॉन्स है शकल घरेलू सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी हाँ जी शादियों सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जी के बीच का जो मुख्य अंतर है दोस्तों यह क्या है बिल्कुल आंसर कीजिए क्लास को जितना हो सके फ्रेंड्स शेयर भी कर लीजिए वीडियो को जितना हो सके फैला भी दीजिए क्योंकि आप जितना ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा वीडियो को फैलाएंगे आपके कुछ दोस्त भी आएंगे आपके कुछ फ्रेंड्स भी आएंगे और उन्हें भी एग्जाम प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा उन्हें भी फ्रेंड्स यहाँ से सिलेक्शन लेने का मौका जरूर मिलेगा तो आंसर जरूर करें राइट आंसर क्या होगा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जी के बीच में जो अंतर होता है फ्रेंड्स या क्या होता है तो सर विदेशों में शुद्ध

ड क्या है बताइए फटाफट आंसर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए क्लास को जल्दी से शेयर भी कर लीजिए बिल्कुल साथियों नवार्ड क्या है तो यह एक वित्तीय संस्था है ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे सर सही आंसर अगली क्वेश्चन फटाफट लगाइए जल्दी से जल्दी और वफरिंग हो रही है तो आप लोग बताएंगे सर कि वफरिंग हो रही है क्लास में अगर वफरिंग हो रही है तो वफरिंग बताइएगा ठीक है भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका जो बनी है यह क्या बनी है बताइए आंसर जल्दी से कीजिए राइट आंसर क्या होगा नंबर चौबीस तो सर आग्ने और कालो शे से ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर अगली क्वेश्चन लगाइए नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है साथियों निम्न में से कौन सी नवीकरणीय संसाधन है फ्रेंड्स नवीकरणीय संसाधन है बिल्कुल लगाइए तो सर आपने जो आंसर किया पच्चीस का बी

हाँ जी हाँ में लगता है एक प्रश्न में हाल ही में लगा चुका हूं आपको ऐसा लग रहा है ये सारे प्रश्न जो है मैं करा चुका हूं बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये प्रश्न मैं कराया हूं आपको ठीक है तो इस प्रश्न को मैं रहने देता हूं दूसरा सेशन चलाता हूं ये पार्ट में कल कराया था आपको हाँ जी हाँ जी बिल्कुल तो ये मैं लगाता हूं अगली क्लास ये लगा रहा हूं ठीक है जी पंकज जी कल ही क्लास शायद में कराया था ठीक है हाँ जी हाँ जी जब महासंग्राम चल रहा था ना तो उसमें ये बता चुका हूं मैं तो नई क्वेश्चन जरूरी है ठीक है हा जी हाँ जी बिल्कुल हमें भी लग रहा था सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स रिपीट हो रहे थे कल मैंने ही क्लास किया ही तो तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से फैला दीजिए क्लास को शेयर कर लीजिए एक नई क्लास की शुरुआत कर चुका हूं स्टार्ट कर चुका हूं और फटाफट आंसर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए क्लास को फटाफट शेयर भी कर लीजिए फ्रेंड्स जितना ज्यादा क्लास को शेयर करते हैं जितना ज्यादा अपने दोस्तों के पास आप क्लास को पहुंचाते हैं आपके दोस्त भी आते हैं आपके फ्रेंड्स भी आते हैं और उन्हें भी हाँ जी फ्रेंड्स उन्हें भी यहां से एग्जाम प्रिपरेशन करने का मौका जरूर मिलता है तो शहर का प्रथम नागरिक जो है फ्रेंड्स यह कौन है बताइए शहर का प्रथम जो फ्रेंड्स नागरिक है जो पहला व्यक्ति होता है हाँ जी जी बिल्कुल आशीष कीजिए शहर की बात हो रही है देश की बात नहीं हो रही जो राष्ट्रपति लगाएंगे शहर की बात हो रही है फ्रेंड्स तो नगर सिविल कोर्ट न्यायाधीश आप लगा सकते हैं सी को आप लगा सकते सी रहेगा राइट राइट आंसर आंसर सी रहेगा अगली क्वेश्चन लगाइए देखिए देखिये जितने भी क्वेश्चन ना सारे इंपोर्टेंट कराऊंगा निम्न में से भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला जो धर्म है यह धर्म कौन सा है बताइए रोहित जी आनंद जी पंकज जी हाजी हाजी दीपक पटेल जी और आप लोग फ्रेंड्स जल्दी जल्दी क्लास को शेयर भी कर लीजिए अपने साथियों के पास अपने दोस्तों के पास अपने अपने फ्रेंड्स के पास ताकि आपकी क्लास में जितने भी दोस्त होते हैं फ्रेंड्स होते हैं सभी साथी आपकी क्लास में जरूर आ जाएंगे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मेरी बॉयस जा रही फ्रेंड्स आप तक या फ्रिंक इशू जा रही है जो आप लोग केबसेंट हो गए ज्यादा सी वाला सर बहुत सी रहेगा सही आंसर सर सी रहेगा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए निम्नलिखित में से किसकी धारण क्षमता अधिक होता है साथियों निम्नलिखित में से किसकी धारण क्षमता अधिक होता है फटाफट वीडियो को लाइक like कर लीजिए क्लास को जितना हो सके फ्रेंड जल्दी से फैला दीजिए शेयर जरूर कर लीजिए हाँ जी हाँ जी बिल्कुल फास्ट करा दूंगा आपका इस्पात सर ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर इस्पात रहेगा राइट आंसर कितने अंगल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं नंबर <coughs> फोर तो राष्ट्रपति जो फ्रेंड्स मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हो कितनी तो दो को मनोनीत कर सकता है कौन राष्ट्रपति दो को मनोनीत कर सकता है ठीक है सर डाउट्स क्यों हो रहा है आज मुझे इतना ज्यादा डाउट्स इसलिए और पंकज जी बहुत दिनों से लगता है क्लास नहीं कर पा रहे थे सही से ठीक है क्लास रेगुलर रखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी रेगुलर रहती है आप क्लास अगर छोड़ देते हो तो प्रैक्टिस आपकी रुक जाती है दो बिंदुओं के बीच की, की विभांतर को मापने के लिए उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है वह उपकरण कौन सा होता है सर वह उपकरण कौन सा होता है तो वोल्ट मीटर सर ऑप्शन सब यहां से वी को लॉक करा जाएंगे सर वोल्ट मीटर रहेगा सही आंसर वोल्ट मीटर रहेगा सर आपका राइट आंसर हां जी हां जी अब नहीं करेगा खत्म हो गया हाँ जी हाँ जी दीपक जी क्या हो गया जी क्या खत्म हो गया अगली क्वेश्चन को क्या कहते हैं रोहित यादव जी, हाँ जी, जी, जी पंकज जी सभी फ्रेंड्स फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी क्लास को अपने अपने दोस्त के पास अपने अपने फ्रेंड्स के पास अपने अपने साथियों के पास जल्दी से पहुंचा भी दीजिए जल्दी से जल्दी बिल्कुल महाकाल जय श्री राम जो भी कहना है कहिए बट आंसर जरूर कीजिए आंसर आना चाहिए रिस्पॉन्स भी आपकी आनी चाहिए पूरी उम्मीद है पूरा भरोसा आपका आंसर आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों तो यह जो कहा जाता है ना पोलोनोलॉजी ऑप्शन सब जिन्होंने लॉक किया सर बिल्कुल सही है बिल्कुल राइट है क्वेश्चन आ रहे हैं सर सब फिर भी पता नहीं गलत क्यों हो रहा है मुझे। हाँ जी आजी होता है मुझे होता डाउट्स ऐसे ही होते हैं उत्पन्न भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति देने वाला जो निकाय है यह निकाय कौन से पंकज जी सोनी जी रोहित यादव जी दीपक पटेल जी कुछ भी फ्रेंड्स क्लास में है आप लोग तो आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर ले फैला दे वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ना आपके दोस्त भी आएंगे आपके फ्रेंड्स भी आएंगे जी और उन्हें भी यहाँ से एग्जाम प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाता है सर तो ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद को सर लॉक करेंगे वी रहेगा सर राइट आंसर वी रहेगा सर बिल्कुल रहे रहे सही आंसर अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट त्रिआबंध में होता है साथियों बिल्कुल सुपर फ्रेंड्स सुपर स्पॉन्स आंसर भी आएगा उम्मीद है पूरा भरोसा है आपसे त्रिआबंध में जो होता है फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है तो यह जो होता है एसिटिलीन का होता है सर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे सर डी रहेगा सही आंसर डी रहेगा राइट आंसर से ध्यान से प्रश्न को इस्पात रबर भी ज्यादा लचीला होता है इसका क्या रीजन है फ्रेंड्स इसका क्या कारण है आंसर्स कीजिए वीडियो को लाइक कर लेंगे क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर भी कर लेंगे अपने अपने फ्रेंड्स के पास अपने अपने दोस्तों के पास आंसर जरूर करें राइट आंसर्स क्या रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर्स क्या रहेगा हाँ जी फ्रेंड्स बिल्कुल बताएंगे राइट आंसर जल्दी से जल्दी सुपर तैयारी है सुपर उम्मीद है, है, है।, इस है इसका जो, जो कारण है यह क्या है बताइए नंबर नाइन सर प्रतिबल और विकृति का काम अनुपात ऑप्शन सब डी को लॉक करेंगे डी रहेगा राइट आंसर सर डी रहेगा बिल्कुल सही आंसर ठीक है हाँ जी हाँ जी सुपर तैयारी

तो वी वाला को जरूर लॉकेसर वी वाला को शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस ऑप्शन संभव राइट आंसर आप बताइए यहां से एम एम एस एक होता है एस एम एस और एक होता है एम एम एस तो एमएमएस का फुल फॉर्म जरूर बताए अगर कोई जानते हैं तो हा जी पंकज जी बताइए एमएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस तो एस एम एस हो गया एमएमएस का फुल फॉर्म बताएंगे कोई फ्रेंड्स अगर जानते हैं तो अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लगाएंगे सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाला सर्वाधिक चमकीला जो रंग है यह रंग कौन सा फ्रेंड्स जरूर करें वीडियो को लाइक कर लीजिए क्लास को शेयर कर लीजिए तो मैं बता दूं तो फ्रेंड्स आपको एमएमएस एमएमएस का होता है मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस ठीक है जी मयंक यादव जी जय हिंद बिल्कुल आंसर करेंगे नंबर इलेवन स्क्रीन पे फ्रेंड्स बिल्कुल आपने जो आंसर किया सर वैगनी होगा सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा सर बिल्कुल राइट रहेगा बहुत अच्छी तैयारी आप सभी साथियों की बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है और इस तैयारी को साथियों वैसे ही रखनी है कंटिन्यू रेगुलर प्रत्येक दिन और लेनी है आपको हर आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन सेक्शन सिलेक्शन कृष्णा सिंह जी स्वागत है आपका वेलकम है आपका एश के स्ट्री टाइम्स के परिवार में आपका स्वागत है पूर्वी घाटों का एक भाग वेलिकोंडा पहाड़ियां

बिल्कुल आपने सही किया बिल्कुल राइट क्या सर आंध्र प्रदेश को जो अपने लॉक किया ना जो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही है बिल्कुल राइट है बहुत अच्छी फ्रेंड्स आपकी बहुत अच्छी पोस्ट वेरी गुड अगली क्वेश्चन लगाइए पंकज जी कृष्णा जी नमस्ते नमस्ते सोनी जी रोहित यादव जी पंकज जी मयंक जी एक अर्ध चालक का जो उदाहरण है यह क्या है बताइए एक अर्ध चालक का जो फ्रेंड्स उदाहरण है या किसका उदाहरण है तो साथियों यह जो उदाहरण है एक अर्धचालक का जो उदाहरण है ना यह है आपका सिलिकॉन ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना चाहेंगे सर वी रहेगा सही आंसर वी रहेगा आपका राइट आंसर सुपर आपकी तैयारी है फ्रेंड्स आपकी सुपर वाली रिस्पॉन्स है बहुत अच्छी तैयारी साथियों आपकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स अगली क्वेश्चन स्क्रीन पे किसने गुलीवर्स टेबल्स लिखा था किसने गुलीवर्स ट्रेबरल्स लिखा था बिल्कुल और क्लास में जो भी नए हैं पहली बार है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ ही प्रेस कर लेंगे ताकि आपको हर वीडियो हर लाइव के फ्रेंड्स नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और फ्रेंड्स आपको कहीं भी यूट्यूब के गली में कहीं भी वीडियो की जरूरत नहीं होती है हर वीडियो की हर लाइव की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता है तो किसने गुलीबॉक्स टेबल्स लिखा था तो जोनाना सॉरी जोनाथन स्विफ्ट जो आपने किया को लॉक किया बिल्कुल आपने सही किया बिल्कुल आपने राइट किया सुपर थी फ्रेंड सुपर स्पोर्ट अगर बफरिंग जा रही है तो आप लोग जरूर बताइएगा जहां भी दिक्कत है जहां भी परेशानी है आप कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं हां जी एक वस्तु पर अब केंद्रीय बल का जो अनुभव होता है यह क्या होता है बताइए सोनी जी रोहित जी मयंक जी कृष्णा सिंह जी दीपक जी आंसर जरूर करें वीडियो को लाइक भी करें क्लास को शेयर भी जल्दी से कर ले ताकि आपके दोस्त और भी आ जाएंगे और भी फ्रेंड्स आ जाएंगे और उन्हें भी फ्रेंड्स यहां से एग्जाम सिलेक्शन के लिए बिल्कुल मौका जरूर मिलता है जी तो एक वस्तु पर बिल्कुल सिंपल है आसान है अच्छी तैयारी अच्छी रिस्पॉन्स है और बिल्कुल आपने सही किया राइट किया सुपर तैयारी जब एक वस्तु वितरताकार पथ से गति करता हो सर ए को लॉक करेंगे बिल्कुल सही रहेगा बिल्कुल राइट रहेगा मस्तिष्क को आबिरत करने वाली बाहरी जिल्ली का नाम बताइए जल्दी से जल्दी हाँ जी साथियों आंसर 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 जरूर जरूर करेंगे जरूर करेंगे करेंगे फ्रेंड्स सुपर सुपर तैयारी है फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास को भी जल्दी से, से शेयर कर लेंगे हाँ जी साथियों क्लास को जल्दी से भी शेयर कर लीजिए फैला दीजिए जल्दी से जल्दी मस्तिष्क को आविरत करने वाली बाहरी जिल्ली का नाम क्या है फ्रेंड्स नंबर सोलह हाँ जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही किया आपने नंबर सोलह का जो आप आंसर लगा रहे ना सर सोला, बिल्कुल सोलह मेटर सॉरी वाला को लॉक करेंगे बिल्कुल रहेगा सही आंसर रहेगा राइट आंसर वेरी गुड जी वेरी गुड एड्स में कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती है आंसर कीजिएगा फटाफट और आप लोग फ्रेंड्स क्लास को शेयर नहीं कर रहे जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर भी कर लीजिए अपने अपने साथियों के पास अपने अपने दोस्तों के पास ताकि आपके कुछ और फ्रेंड्स नए आ जाएंगे और उन्हें भी फ्रेंड्स यहाँ से एग्जाम प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है उन्हें भी यहां से एग्जाम में सिलेक्शन लेने का मौका जरूर मिलता है इसलिए आप लोग शेयर कर लीजिए जल्दी से वीडियो को फैला दीजिए बिल्कुल साथियों बिल्कुल सही आंसर सर साइड जो आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है जो आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है बिल्कुल सही किया बिल्कुल राइट किया सुपर तैयारी आपकी सुपर रिस्पॉन्स है जी वेरी गुड भारत में वनस्पति में व्यापक रूप से जो पाया जाता है फ्रेंड्स यह क्या पाया जाता है नंबर अठारह पंकज जी मयंक जी रोहित जी दीपक पटेल जी अनंत चौधरी जी कृष्णा सिंह जी सोनी कुमारी जी तेरी सभी साथियों की बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है और ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स क्लास को शेयर भी जरूर करते रहेंगे भारत में मैनग्रोव वनस्पति में व्यापक रूप से जो पाया जाता है ना यह क्या पाया जाता है तो सुंदर जो अपने ऑप्शन को लॉक किया सर सुंदरवन होगा सर आपने बिल्कुल सही किया सर आपने बिल्कुल राइट किया बहुत अच्छी तेरे बहुत अच्छी है वेरी गुड अगले क्वेश्चन देखेंगे अंतरिक्ष शोर के कारण क्या होता है जी नंबर इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक करेंगे क्लास को शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी अपने अपने दोस्तों के पास अपने अपने फ्रेंड्स के पास हाँ जी अंतरिक्ष या शोर के जो फ्रेंड्स कारण है जो रीजन है जो हाँ जी, जी, जी. बिल्कुल तो सर बिजली का विसर्जन हाँ जी हाँ जी ऑप्शन शाम ए बिल्कुल आपने सही किया बिल्कुल आपने राइट किया सुपर तैयारी आपका है ही और रिस्पॉन्स भी आपकी अच्छी है अगली क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी से जल्दी एक एक प्रश्न फ्रेंड्स मैं आपका इंपोर्टेंट करा रहा हूँ प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट हो ध्यान से क्लास को लगाइए और क्लास को जितना हो सके शेयर भी जरूर कर लीजिए ताकि आपकी क्लास में और भी दोस्त आएंगे और भी फ्रेंड्स आएंगे सर अभी वाला क्वेश्चन में कन्फ्यूज ज्यादा हो रहा है अच्छा जी रोहित जी होता है जी होता है कंफ्यूजन्स होता है जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है बताइए जल्दी से सर लैक्टिक अम्ल बिल्कुल सही किया आपने जो वी को लॉक किया ना हाँ जी हाँ जी हौसला रखिए हिम्मत रखिए सिलेक्शन जरूर मिलेगा आप लोग बहुत जल्द हौसला खो देते हैं खोनी नहीं है हौसला जब तक फ्रेंड्स बिल्कुल सिलेक्शंस लेनी है तब तक रुकना नहीं है जी आपको जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध से दूध में कौन सा उत्पाद होता है तो लैट्टी कम्ल वी वाला बिल्कुल सही किया आपने बिल्कुल राइट किया जी बहुत अच्छी तैयारी फ्रेंड्स आपकी बहुत अगली क्वेश्चन लगाइएगा क्या कहता है आपसे कि द्वितीय वैज्ञानिक स्टेशन मैत्री कहां स्थित है द्वितीय वैज्ञानिक स्टेशन मैत्री कहां तो अटलांटिका ऑप्शन संभवी बिल्कुल सही किया बिल्कुल राइट किया अगली क्वेश्चन लगाइएगा क्या कहता है आपसे क्या पूछता है आपसे फ्रेंड्स में से कौन सी अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है कौन सी अनुच्छेद है जो ग्राम से संबंधित रखता है सोनी कुमारी जी जी कीजिए कीजिए वीडियो को को लाइक फ्रेंड्स क्लास जल्दी से से शेयर भी कर लीजिए हाँ जी जी हाँ जी जी मयंक पंकज जी, जी, निम्नलिखित में कौन सी अनुच्छेद चालीस ग्राम पंचायतों से संबंधित है संवाहन तो हाँ का प्रतिरोध का अवलंबित जो रहता है यह क्या होता है नंबर तेईस आपके स्क्रीन पे पदार्थ है उसकी लंबाई है उसका है, या इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सर तो ऑप्शन सी जिन्होंने लॉक किया सर ऑप्शन शंबर सी जिन्होंने बताया ना बिल्कुल सही किया है बिल्कुल राइट किया है पिंकी जट जी आपका स्वागत है वेलकम है एश के स्टूडेंट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स बहुत अच्छी तैयारी आप सभी दोस्तों की बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है और इस तैयारी को फ्रेंड्स ऐसे ही रखनी है कंटिन्यू रेगुलर प्रत्येक दिन है, और आपको फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम्स में लेनी है सिलेक्शन 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 अगले क्वेश्चन पे हाँ जी हाँ जी रीचा सिंह जी आपका स्वागत है वेलकम है एश के स्ट्री टाइम्स में आपका स्वागत है रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किससे संबंधित है जी रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किससे संबंधित है साथियों तो कुछ फ्रेंड्स यहाँ से फुटबॉल को लॉक कर रहे कुछ फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन संभव को सॉरी सी को लॉक कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं जी वेरी गुड फ्रेंड्स वेरी गुड अच्छी वाली तैयारी है फ्रेंड्स आपकी अच्छी वाली रिस्पॉन्स भी गन्ने में पाए जाने वाले लाल बीमारी किसके कारण होती है फ्रेंड्स किसके कारण होती है देखिए एक एक क्वेश्चंस में आपका इंपोर्टेंट कराता हूं एक एक प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए जो जरूरी होते हैं जो इंपोर्टेंट होते हैं वही प्रश्न कराता हूं वही क्वेश्चंस कराता हूं गन्ने में पाए जाने वाले लाल बीमारी किसके कारण होता है फ्रेंड्स लाल जो बीमारियां होती है यह किसके कारण होता है सर तो कबक वी को आप लॉक करना चाहेंगे सर बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन सर लगाएंगे बिल्कुल राइट रहेगा बहुत अच्छी तैयारी फ्रेंड्स आपकी बहुत ही अच्छी सुपर डुपर हिट वाली रिस्पॉन्स है बेहतरीन तैयारी है वेरी गुड जी वेरी गुड बहुत अच्छी तैयारी फ्रेंड्स आपकी बहुत ही अच्छी वाली रिस्पॉन्स भी नेक्स्ट क्वेश्चन ऊट सॉरी ऊट परिवार की एक जाति हाँ जी फ्रेंड देखेंगे ऊट परिवार की एक जाति लाइमाश कहाँ पाई जाती है बिल्कुल सिंपल प्रश्न आसान प्रश्न है अगर जानते हैं तो आपके लिए बिल्कुल वेरी वेरी आसान है और नहीं जानते हैं तो आपके लिए फ्रेंड्स बहुत ही हार्ड है होता है कि नहीं होता है बिल्कुल होता है ऐसा बिल्कुल तो आनी चाहिए आपकी आंसर रिस्पॉन्स आनी चाहिए ऊट परिवार की एक जाति लाइमाश कहाँ पाई जाती है तो साथियों याद पाई जाती है ना सर ऑप्शन आपकी, हाँ आपकी बहुत ही अच्छी वाली रिस्पॉन्स है तो वीडियो जली जली कर लेंगे। क्लास को जितना हो सके फ्रेंड्स जल्दी से शेयर कर लेंगे ताकि आपके क्लास में और भी दोस्त आ जाएंगे और भी फ्रेंड्स आ जाएंगे और वहां से एग्जाम प्रिपरेशन करने का मौका जरूर मिलता है और आप भी फ्रेंड्स इस दुनिया में कुछ भले जरूर कर पाएंगे

लॉन्ग टर्म ऑपरेशन ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सर बिल्कुल सी रहेगा सही आंसर सी रहेगा आपका राइट आंसर फटाफट फ्रेंड्स आपके तरफ से एक लाइक तो बनता है दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद एक वीडियो के पीछे संघर्ष इतनी, इतनी मेहनत करने के बाद आपसे तो मैं एक लाइक की उम्मीद जरूर कर सकता हूं हाँ जी ये तो हक बनता है ना बिल्कुल आपसे लाइक की उम्मीद कर सकता हूं फ्रेंड्स इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर ले और क्लास को जितना हो सके शेयर भी जरूर कर ले मैक डावेल का किससे संबंधित है बताइए मैकडावेल कप जो फ्रेंड्स किस से संबंधित है तो यह फुटबॉल से संबंधित होता है किससे होता है मैकडावेल कप जो फ्रेंड्स या फुटबॉल से संबंधित सर डी को लॉक करेंगे डी रहेगा सही आंसर हाँ जी सर डी रहेगा राइट आंसर आंसर करेंगे अगले प्रश्न देखेंगे लग चुका है जी सोनी जी सोनी जी रोहित जी हाँ जी हाँ जी मंक यादव जी सोनी कुमार जी बहुत अच्छी सभी शादो का बहुत अच्छी रिस्पांस है वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए क्लास को जल्दी से शेयर कर लीजिए श्वेत रुद्राणुओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है यानी कि श्वेत जो फ्रेंड्स ब्लड होता है जो डब्ल्यू होता है इसका डब्ल्यू होता है फ्रेंड्स इसका क्या काम होता है तो इसका जो काम होता है ना रोगों से लड़ना संक्रमण से लड़ना आप लगा सकते हैं सर ऑप्शन नंबर वी को आप लॉक कर सकते हैं बिल्कुल वीरेगा सही आंसर वीरेगा राइट आंसर ठीक है अगली क्वेश्चन लगाइए देखिए आपसे क्या कहता है, क्या पूछता। तो आपका है।, ठीक है जी बताइए है 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 है? जी, जी रोहित जी दीपक पटेल जी सोनी कुमारी जी हां जी साथियों बहुत अच्छी तैयारी बहुत अच्छी रिस्पोर्ट है जी और उम्मीद तो हमें हमेशा है कि आपके क्लास में धीरे धीरे आपके प्रेजेंटेशन जो है बढ़ेगा आपके धीरे धीरे आपके सभी साथी भी आएंगे जो कि अभी नहीं आ रहे हैं ये मैं मानता हूं कि आपकी क्लास में जो प्रेजेंटेशन कम हो गए पता नहीं क्यों बफरिंग की सुस्त तो बफरिंग तो आज बहुत सही है विश्व बैंक का मुख्यालय जो फ्रेंड्स ये कहां स्थित है और हरियाणा वाले कुछ बच्चे तो आज आए ही नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी सर एक और लॉक करेंगे बिल्कुल सही रहेगा सर वाशिंगटन डीसी रहेगा राइट आंसर हाँ जी हाँ जी अगली कोशिश लगाइए महावीर का निर्वाण कहा प्राप्त हुआ था महावीर को जो फ्रेंड्स निर्वाण प्राप्त हुआ था

नेत्रदान में दाता की आंख के कौन से भाग का उपयोग होता है बताइए फटाफट बिल्कुल फ्रेंड्स आएगा क्लास को जितना सके शेयर भी जरूर कीजिए। नेत्रदान में दाता की आंख के कौन से भाग का उपयोग करते हैं पंकज जी दीपक जी आंसर कीजिए फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे क्लास को शेयर भी कर लेंगे जल्दी से जल्दी बिल्कुल मैं फास्ट क्लास लगाना चाहता हूं एकदम तेजी से कॉर्निया ऑप्शन संभव सी रहेगा बिल्कुल सही कि आपने किया आपने बिल्कुल राइट किया फटाफट फड़ लगाइएगा जब प्रकाश का अपवर्तन होता है फ्रेंड्स क्या कहता है प्रश्न आपसे जब प्रकाश का अप होता है तब निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है पंकज जी दीपक जी रोहित जी मयंक जी सोनी कुमारी जी सुपर तैयारी सभी छात्रों का सुपर रिस्पॉन्स है भी कीजिए क्लास को जल्दी से शेयर कर लेते ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जी बिल्कुल आप लोग शेयर नहीं कर रहे जी आपके कुछ और फ्रेंड्स आते ना तो क्लास करने में और भी मजा आता और भी अच्छा लगता हाँ जी साथियों तो सर ऑप्शन नंबर ए आवृति को जिन्होंने लॉके फ्रेंड्स ए को जिन्होंने बताया ना बिल्कुल सही बताया बिल्कुल राइट बताया बहुत अच्छी तेरी फ्रेंड्स आपकी बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स है बेहतरीन तेरी फ्रेंड्स बेहतरीन रिस्पॉन्स है राम राम जी राम राम निशा सिंह जी कहा रहते हैं आप लोग आपकी क्लास फ्रेंड्स इतनी मेहनत करने के बाद मैं आपको क्लास सारे देता हूँ सुबह से लेकर शाम तक फ्रेंड्स मेहनत करता हूँ एक वीडियो बनाने के पीछे पूरे डाटा बनाना पड़ता है फिर भी आप लोग नहीं आते ना तो बहुत बुरा लगता है जी दिल से बुरा लगता है क्लोराइड को हानि पहुंचाता है आसस कीजिए राइट आंसर जल्दी से नंबर पाए स्क्रीन पे फ्लोराइड को हानि पहुंचाता है जी दांत को आंख को जीभ को या कानों को तो ये दांतों को फ्रेंड्स हानि पहुंचाता है एक को लॉक करेंगे तिथ बिल्कुल सही किया आपने बिल्कुल राइट किया अगली क्वेश्चन लगाइए नंबर नेक्स्ट देखिए मयंक जी निशा आप प्रश्न आपसे क्या पूछता है प्रश्न भार सॉरी चावल को बार बार धोने से विटामिन नष्ट हो जाती है कौन सी विटामिन नष्ट हो जाता है चावल को बार बार धोने से बताइए हां जी साथियों आंसर सबका आएगा पूरी उम्मीद है रिस्पॉन्स भी आएगा ये पूरी उम्मीद है पूरा भरोसा है इसलिए फ्रेंड्स मैं कहता हूं वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए क्लास को शेयर कर लीजिए क्योंकि जितना ज्यादा आप क्लास को शेयर करेंगे ना जितना ज्यादा अपने दोस्तों के पास जहां भी आपके फ्रेंड्स है जहां भी आपके बिल्कुल को. तो उम्मीद हमें पूरा है कि आपके क्लास में सभी दोस्त आते रहेंगे फ्रेंड्स भी आपके आते रहेंगे सर ऑप्शन सांबा यहां से वी सिक्स को लॉक करेंगे बिल्कुल सही किया आपने जी सर बिल्कुल आपने राइट किया अगली क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है आपसे क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से भारत में इस मूल्य बाघ अभ्यारण कौन सा है जी भारत में स्थित बाघ अभ्यारण जो फ्रेंड्स कौन सा है तो फ्रेंड्स जो है ऑप्शन दुधवा को आप लगा सकते हैं सर ए रहेगा राइट आंसर ए रहेगा बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल साथियों सुपर स्पॉन्स है बस कंटिन्यू रखने की जरूरत है सर इसे आपको रेगुलर रखने की जरूरत है टेलीमेट्री में क्या उपयोग करते हैं बताइए टेलीमेट्री में क्या उपयोग करते हैं कीजिए प्रयोग करते हैं सुपर तैयारी है सुपर स्पॉन्स भी आएगा उम्मीद है, है और इस भरोसे पे ही सारी दुनिया रहती है जी। बिल्कुल राइट जल्दी से जल्दी लॉक किया बिल्कुल राइट किया अगली क्वेश्चन लगाइए अगले प्रश्न बिल्कुल सिंपल है मैं बाधा उत्पन्न होने से हृदयघात होता है यानी कि किस में सॉरी यहां से थोड़ी सी मिस्टाइफ है तो किस में बाधा उत्पन्न होने से हृदयघात होता है हृदयघात हार्ट अटैक हार्ट अटैक होता है जी बताइए जल्दी जल्दी फ्रेंड्स आंसर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए क्लास को जल्दी से शे शेयर भी कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स आप जितना ज्यादा क्लास को शेयर करते हैं आपके दोस्त आते हैं आपके फ्रेंड्स आते हैं और उन्हें भी यहां से फ्रेंड्स एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए मौका मिलता है उन्हें भी से लेने के लिए मौका मिलता है नंबर वन चाहिए सर बिल्कुल सही आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है बहुत अच्छी तैयारी बहुत अच्छी है सर ऑप्शन शामबा वी हा जी हाँ जी वी वाला को लॉक करेंगे सर हृदय धमनी बी रहेगा राइट आंसर बी रहेगा सही आंसर अब है फ्रेंड्स बस से, नहीं, कुछ ही है कुछ ही प्रश्न है आप लगा लीजिए कुछ ही क्वेश्चन है कुछ ही प्रश्न है आप लगा लीजिए एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है एक एक प्रश्न आपका जरूरी है महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक योगिक का उदाहरण है फ्रेंड्स संयोजक योगिक का उदाहरण है नंबर चालीस आपके स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ही अच्छी सी प्रश्न आप आंसर कीजिएगा राइट आंसर क्या रहेगा सुपर तैयारी आपकी सुपर वाली रिस्पॉन्स है हाँ जी साथियों तो ऑप्शन नंबर एक हीरा को जो अपने लॉक किया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो अपने हीरा बताया बिल्कुल सही बताया है आपने बताया है आपने बिल्कुल राइट बताया अगली प्रश्न ये रहा पे और भी इंपोर्टेंट और भी बेहतरीन और भी जानदार और भी शानदार आपके स्क्रीन पे है हाइड्रोजन गैस की प्रभाव से तेल को वशा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है फ्रेंड्स या क्या कहलाती है नंबर इकतालीस आपके स्क्रीन पे है मयंक जी कृष्णा जी पंकज जी रोहित यादव जी सोनी कुमारी जी हाँ जी जी सुपर सभी तैयारी का सुपर रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स ऐसे ही आपकी आंसर आने चाहिए ऐसे ही आपकी रिस्पॉन्स आनी चाहिए बेहतरीन तैयारी आपकी और बेहतरीन वाली रिस्पॉन्स भी है बिल्कुल आंसर कीजिए फटाफट हाइड्रोजन गैस के प्रभाव से तेल के वशा में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो हाइड्रोजेशन जो आपने आंसर किया ना सर हाइड्रोनेशन जो आपने ऑप्शंस किया सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना चाहेंगे बिल्कुल सर आपने सही किया बिल्कुल सर आपने राइट किया अगली क्वेश्चन लगाइए फटाफट आपकी स्क्रीन पर लग चुका है इसकी तीक्षण बुद्धि के कारण किस वेल को आसानी से प्रशिक्षित किया जाता है किसी वेल को जो फ्रेंड्स प्रशिक्षित किया जाता है आप देखते होंगे तालाब में अपने कारनामे दिखाते हैं वेल मछलियां दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं बिल्कुल दिखाते हैं तो जो इसे प्रशिक्षित किया जाता है फ्रेंड्स यह किस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है तो नीला जो वेल होता है ना नीला वेल ऑप्शन सी को अगर लॉक करते हैं सर बिल्कुल सही होगा बिल्कुल आपका राइट रहेगा देखिए तैयारी अच्छी है रिस्पॉन्स भी अच्छी है बट यही है कि फ्रेंड्स प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रहेगा टेस्ट आप रेगुलर नहीं लगाएंगे तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस जो है धीमा पड़ जाता है स्लो पड़ जाता है और आप गलतियां करने की संभावना जो है हां जी साथियों गलतियां करने की जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है तो इससे आपको बचनी है थोड़ा सा इससे आपको हमेशा बचनी है ठीक है जी

धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता है कौन सी धागा है जी कपास है पॉलिस्टर है नाइलोन है या टेरिलीन है आंसर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए क्लास को शेयर भी जरूर कर लीजिए सभी साथी जल्दी से जल्दी हाँ जी फ्रेंड्स बिल्कुल जल्दी जल्दी फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर लीजिए क्लास को शेयर भी कर लीजिए फटाफट बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी साथियों आंसर तो आपकी आनी चाहिए रिस्पॉन्स भी आनी चाहिए इतनी आसान क्वेश्चन में बस डाउट इतनी क्यों हो जाता है आपको इतनी कंफ्यूजन क्यों आप कैसे लगा सकते हैं हाँ जी जब आपको यहां से कपास दे रहा है, जब यहां से आपको पता है कि सूती वस्त्र का निर्माण होता है तो फिर आप टेडिलोन कैसे लगा सकते हैं हाँ जी हाँ जी सी रहेगा राइट आंसर इतनी आसान क्वेश्चन को आप कैसे गलतियां कर लेते हैं फ्रेंड्स अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ क्या है बताइए सोनी कुमार जी निशा सिंह जी रोहित जी मयंक जी फटाफट आंसर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स क्लास को जरूर शेयर कर लेंगे जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए क्लास को जल्दी से शेयर कर लीजिए अति प्रतिक्रियाशील जो फ्रेंड्स पदार्थ है या क्या है बताइए फ्रेंड्स तो यहां से जो अपने आंसर किया ना सर बिल्कुल सही कर रहे बिल्कुल राइट कर रहे सुपर तैयारी आपकी है ही और रिस्पॉन्स भी अच्छी वाली है ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लॉक किया बिल्कुल सही किया है बिल्कुल राइट किया है शैक्षणिक से संदर्भ में पीएचडी किसका सूचक है आंसर कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आंसर भी आएगा पूरी उम्मीद है आज मेरा मूड ऑफ है सुबह से ही सब काम गलत हो रहा है आज मेरे साथ अच्छा जी पंकज जी क्या हो गया जी मूड को सही करना ऑफ करना तो आपके हाथों तो में टेंशन नहीं लेना क्या जी डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी ठीक है अगली क्वेश्चन लगाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं आपसे कि जंग रोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स आशा कीजिए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए क्लास को शेयर भी जल्दी से कर लीजिए ताकि आपके कुछ फ्रेंड्स आ जाएंगे आपके कुछ दोस्त आ जाएंगे और उन्हें भी फ्रेंड्स यहाँ से एग्जाम प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है उन्हें भी यहां से लेने का मौका मिलता है इसलिए फ्रेंड्स आप अगर नए हैं फर्स्ट टाइम आए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ही साथ वे आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो हर लाइव की नोटिफिकेशंस मिलेगा और फ्रेंड्स आपको कहीं भी यूट्यूब के किसी गली वीडियो की जरूरत भी नहीं होती है तो सर ऑप्शन नंबर ए हैरी ब्रेकले बिल्कुल सही रहेगा सर ऑप्शन जीरो ने लॉक किया बिल्कुल सही किया उन्होंने बिल्कुल राइट किया है हाँ जी हाँ जी कभी कभी होता है परेशानियां बट उस परेशानियां से फ्रेंड्स आपको भागनी नहीं है उसका सामना करनी है उसे पीछे छोड़नी है आपको आगे निकलनी है ठीक है पंकज जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम दिमाग खराब नहीं करनी है बस जो सोच है जो एम है आपकी अगर एम है एस के श्रीडेम सुबह से एसके श्रीडेम आना ही आना है अगर आपकी एम है एनटीपीसी ठीक है मैं उदाहरण दे रहा था तो आपको एनटीपीसी आना ही आना है अगर आपकी एम है फ्रेंड्स आपकी आर आर बी तो आर आर बी आना ही आना है एक मकसद जो है ना आप क्लियर कर लीजिए आपको करना क्या ठीक है जी सुबह उठते ही आप एक डायरी मेंटेनेंस कीजिए सुबह उठते ही एक डायरी लीजिए उस डायरी में लिखिए कि सुबह से लेके फ्रेंड्स आपका जो काम है उस डायरी में आप लिख सकते हैं जो सुबह से आपका काम है क्या करना है क्या नहीं करना और उस को आप पालन कीजिए उस पर आप चलिए देखिए आपको मजा आएगा जीने में ठीक है जी आजी आंसर कीजिएगा सराज मेरी सगाई थी अच्छा जी अंजू जी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अगर सच में है तो ढेर सारी शुभकामनाएं और झूठ अगर बोले हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चे झूठ भी बोल के चले जाते हैं उन्हें पार्टी देना पड़ सकता है सभी साथियों को मिठाइयां खिलाना पड़ सकता है इसलिए ना <laughs> बिल्कुल राजीव गांधी राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहां स्थित है आंसर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट क्लास को शेयर भी जरूर कर लीजिए हाँ जी हां जी बिल्कुल नंबर अड़तालीस सर तमिलनाडु ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे सर ए रहेगा राइट आंसर ए रहेगा बिल्कुल सही आंसर सुपर है, सभी सा का सुपर रिस्पॉन्स है अच्छी तैयारी अच्छी रिस्पॉन्स निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के सूचीबद्ध भाषा है नंबर उनचास आशीष पाल जी रोहित जी निशा सिंह जी अंजू जी मयंक जी सुपर तैयारी सभी साथो का है सुपर रिस्पॉन्स है बस आप लोगों से एक शिकायत है एक कंप्लेन है कि आप लोग रोज क्लास कर नहीं रहे हैं बहुत सारे फ्रेंड्स जो है ना अबसेंट चल रहे हैं आजकल प्रियंका शुक्ला जी स्वागत है आपका वेलकम है आपका एश के स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है आपका वेलकम है तो बिल्कुल सर जिन्होंने ऑप्शन ए को लॉक किया सर मैथिली को लॉक करेंगे सर मैथिली रहेगा राइट आंसर बिल्कुल सही रहेगा बिल्कुल बिल्कुल सूचीबद्ध भाषा है तो मैथिली बिल्कुल लॉक कर लिया जाए मैथिली रहेगा सही आंसर राइट आंसर संसद का सदन जो लोकप्रिय रूप से निम्न सदन कहलाता है जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सुपर सुपर देरियपर स्पॉन्स भी आएगा उम्मीद है में भरोसा है संसद का सदन जो लोकप्रिय रूप में निम्न सदन कहलाता है वह सदन कौन सी होती है तो लोकसभा जो है फ्रेंड्स लोकसभा या निम्न सदन कहलाता है सर ए को लॉक अगर करते हैं ना हाँ जी फ्रेंड्स ऑप्शन ए को लॉक करते हैं ना तो बिल्कुल हाँ तो वैसे भी ज्यादा खाता हूं क्या बात है मयंक जी मिठाई ज्यादा खाते हैं जी आप तो चलेगी किसी दिन पार्टी बिल्कुल 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 उस पार्टी के इंतजार कीजिए हा जी जी हाँ सर अब डेली रनिंग करने जाता हूँ टाइम टेबल फिक्स कर दिया हूँ

आपसे सभी साथियों को सीखना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हमारा सिद्धांत है जिन गिन में अच्छी बातें हो उन्हें आप ग्रहण कीजिए जो सही बातें नहीं है उसे आप निकाल दीजिए बस हो गया इसी सिद्धांत पे चलिए आगे जरूर बढ़ेंगे आप लोग ठीक है हाँ जी हाँ जी विगत में निम्नलिखित देशों में से कौन सी बर्मा कहलाता फ्रेंड्स तो वर्मा जो कहलाता ना पहले बर्मा कहलाता था, था म्यामार को ठीक है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे सर डी रहेगा राइट आंसर ठीक है जी हां जी हाँ जी आते हैं अगली क्वेश्चन है, है, के पास नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कहता है संक्षिप्त शब्द पी आई एल किसके लिए प्रयुक्त है बहुत अच्छा जी, आपको बफरिंग होने लगता है पंकज जी के आपको ज्यादा बफरिंग की सूचा जाती है ऐसा क्यों होता है मैं समझ नहीं आता जी हां जी पंकज जी आप कहा से है कौन से जिले सॉरी कौन से राज्य से है संक्षिप्त शब्द आई एल यूपी से है ना जी हाँ जी जी बिल्कुल कर रहे हैं सारे फ्रेंड्स सारे साथियों का कमेंट में चेक करते रहता हूं तो पब्लिक इंटरेस्ट ऑप्शन शब बी को लॉक करेंगे सर विरेगा सही आंसर बीरेगा राइट आंसर बस कुछ ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स कुछ ही प्रश्न आप लगा लीजिए एक एक प्रश्न आपका इंपोर्टेंट कराता हूं एक एक प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट कराता हूं निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य में एक राजनीतिक दल है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य में एक राजनीतिक दल है कीजिए कीजिए वीडियो को क्लास को लाइक क्लास फट फटाफट शेयर भी जरूर कर लीजिएगा नंबर आप स्क्रीन पे है सुपर वाली तैयारी फ्रेंड्स आपकी सुपर वाली आंसर जरूर आएगा पूरा भरोसा है पूरा उम्मीद है नंबर त्रेपन सर ए और बी दोनों यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी दोनों अगले क्वेश्चन लगाइए हमारे घरों को जो वितरित की गई विद्युत है वह विद्युत कौन सी होती है जी सोनी जी दीपक जी हाँ जी हाँ जी भूपेंद्र जी आपका स्वागत है वेलकम है स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है आपका वेलकम है हमारे घरों में जो फ्रेंड्स वितरित की गई है विद्युत है यह जो विद्युत है ना यह विद्युत आपका ए होता है कौन सा होता है फ्रेंड्स यह जो होता है ना हा जी ए होता है अल्टरनेटिंग करेंट होता है ऑप्शन श्या एक को लॉक करेंगे सर एरेगा राइट आंसर चलते हैं अगले प्रश्न के पास और ये आ गए अगले प्रश्न के पास प्रिंस जी वेलकम है स्वागत है एश के स्टूडेंट्स परिवार में आपका स्वागत है अगले प्रश्न स्क्रीन पे संक्षिप्त शब्द एटीएम किसके लिए प्रयुक्त होता है मतलब ये राइट आंसर जल्दी से बहुत सारे फ्रेंड्स आपके अभी तक सो जाते हैं है। पता है बहुत सारे दोस्त जो है ना आपके अभी तक सो गए हैं जी हाँ जी हाँ जी ऐसा में लग रहा है फ्रेंड्स आपके बहुत सारे दोस्त बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत सारे साथी जो है सो गए जी आपके बहुत सारे दोस्त जो है ना बहुत सारे फ्रेंड्स जो है ना वो सो गए तो उन्हें सोने दीजिए ठीक है चलिए बिल्कुल साथियों आंसर साथ आपका आएगा रिस्पॉन्स आएगा पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी आप कहिए तो मैं बारह बजे तक आपकी लगा देता हूँ क्लास हाँ जी हाँ जी बारह बजे तक क्लास लगा दू बिल्कुल सर ऑप्शन सी को जो आपने लॉक किया बिल्कुल सही किया सर आपने बिल्कुल राइट किया सर क्लास कंटिन्यू चलने दीजिए बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी एकदम कंटिन्यू रहेगी क्लास एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी लगने जा रही शाम बारे में शाम में ही क्लास चलेगा ठीक है जी नींबू रस में निम्न में से क्या पाया जाता है साथियों बताइए जो सोता है वो खोता है बिल्कुल सही कहा मैं यादव जी ने बिल्कुल सही चौबीस कैरेट खड़े सोने वाली बात क्या आपने जी लाख टके की बात कह दिया आपने नींबू रस में हाजी हाजी और मेरा दिल गार्डन गार्डन तभी होगा फ्रेंड जब आप लोग शेयर करोगे आप जब लगो, अपने अपने साथियों के पास अपने अपने दोस्तों के पास पहुंचाएंगे ऑप्शन साइट्रिक एसिड सर एक और लॉक करेंगे बिल्कुल सर सही किया आपने बिल्कुल सर आपने राइट किया हां जी हाजी सुपर देरी सुपर रिस्पॉन्सर अगली क्वेश्चन लगाइए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर स्थित है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर स्थित है वीडियो को लाइक कर लीजिए क्लास को जल्दी से, से शेयर भी कर लीजिए अपने अपने दोस्तों के पास अपने के अपने फ्रेंड्स के पास अपने अपने साथियों के पास बहुत अच्छी आपकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है जरूर आंसर करेंगे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर स्थित है नंबर संतावन तो सर नई दिल्ली बिल्कुल नई दिल्ली लगा लेनी है यशपाल जी ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली बिल्कुल सही रहेगा बिल्कुल राइट रहेगा प्रियंका शुक्ला जी प्रिंस जी बहुत अच्छी सभी साथियों को बहुत अच्छी जी वेरी गुड और क्लास में जो फ्रेंड्स पहली बार आए फर्स्ट टाइम है फर्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर साथ साथ ही आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको हर वीडियो हर लाइव के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और फ्रेंड्स आपको कहीं भी यूट्यूब के गली में वीडियो की जरूरत नहीं होती है हर वीडियो की हर लाइव के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता है निम्न ग्रहों में से कौन से सूर्य के सबसे नजदीक है जी हां जी साथियों आशा जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए क्लास को शेयर कर लीजिए ठीक है जी नंबर निम्न ग्रहों में से कौन से सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है तो कुछ फ्रेंड्स यहां से लगा रहे सर ऑप्शन नंबर ए बुद्ध को रखेंगे सर बिल्कुल सही क्या सर आपने बिल्कुल राइट किया बहुत अच्छी तैयारी आप सभी दोस्तों की बहुत अच्छी तैयारी आप सभी फ्रेंड्स की अगले प्रश्न ये क्वेश्चन और भी बेहतरीन प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है कुमारी जी, प्रभु जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या हो गया जी पंकज जी माइंड को रिलीफ चाहिए जी क्या बात है पंकज जी आप तो टेंशन क्यों लेते किस बात की टेंशन है टेंशन एकदम लेने का नहीं है जी जो आपकी एम है जो आपकी फ्रेंड्स मंजिल है उस मंजिल को पाने की कोशिश कीजिए ठीक है बिल्कुल दिन दुनी रात चौगौनी लगा दीजिए उसमें और वगैरह वगैरह जो इधर उधर की बातें हैं बस उसको बोल जाइए ठीक है तो राजस्थान को लॉक करेंगे सर किसको लॉक करेंगे राजस्थान ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे ठीक है अगली क्वेश्चन लगाइए नंबर नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न आपसे क्या कहता है पृथ्वी की कोर में मुख्य संगठक क्या है बताइए एक मूवी की डायलॉग था ना सर फ्रेंड्स टेंशन लेने का, देने का है सुने है ना? <laughs> बिल्कु, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल जी बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेने का जी ठीक है पृथ्वी की कोर में मुख्य संगठक जो फ्रेंड्स कौन है बताइए और हो सके तो फ्रेंड्स लोग वीडियो को जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड्स जरूर फैला दीजिए शेयर कर लीजिए बिल्कुल साथियों बिल्कुल हाँ जी हां जी हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सुपर 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 बेहतरीन 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 बहुत अच्छी तैयारी निकेल और लोहा वाला क्वेश्चन लॉक करेंगे पृथ्वी की कोर में मुख्य संगठक निकेल और सर लोहा रहेगा सर ए को लॉक करेंगे बिल्कुल सही कहा सर आपने बिल्कुल राइट किया बहुत अच्छी तैयारी आप सभी दोस्तों की बहुत अच्छी तैयारी आप सभी फ्रेंड्स की तो आज की क्लास में मैंने टोटल फ्रेंड्स इतना ही लाया था जो कि आपका एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट था आपका फ्रेंड्स आपके लिए बहुत जरूरी था बहुत इंपॉर्टेंट था ठीक है पता नहीं क्यों आजकल फ्रेंड्स आप बहुत में से कुछ फ्रेंड्स जो है ना यहाँ पे बहुत ही प्रेजेंटेशन कम हो गया इसका रीजन क्या हो सकता है कारण क्या हो सकता है ये तो आप लोग ही बता सकते हैं हाँ जी हाँ जी कहीं डाउट्स है कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर बताया कीजिए और ये आपकी क्लास बस आपके लिए ही चलता है फ्रेंड्स ये क्लास बस आपके लिए शुरू होता है आपके लिए फ्रेंड्स स्टार्ट होता है ठीक है हाँ जी साथियों वेरी गुड तो बहुत सी आप सभी साथियों कर रहा है बहुत सी रिस्पॉन्स भी रहा है और आएंगे धीरे धीरे फ्रेंड्स भी आएंगे धीरे धीरे साथी भी आएंगे बस मंजिल आपका जब फिक्स हो कि हाँ यहाँ चलनी है तो बस आएंगे ही आएंगे आपके सभी फ्रेंड्स आ जाएंगे उम्मीद हमें पूरा रहता है पूरा भरोसा रहता है ठीक है सर हम तो सबको टेंशन देते हैं अच्छा मयंक जी <laughs> सर अभी वाली क्लास में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है अभी हाँ जी हाँ जी रोहित जी होगा होगा कंफ्यूजन बिल्कुल होगा तो बिल्कुल बिल्कुल तो क्लास आपकी जो है शाम वाली क्लास एकदम कंटिन्यू रहने वाली है और वो भी लाइव क्लास में इसलिए ले लेता हूँ ताकि आप लोग से फ्रेंड्स हो सको आप सभी साथियों से मिल सको फिर भी आप बहुत सारे दोस्त जो है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी तक अब शेंट ही चल रहे पता नहीं क्यों आपकी क्लास में एक एक सौ स्टूडेंट्स आते हैं एक एक सौ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बट अभी नहीं आ रहे पता नहीं क्यों नहीं आ रहे लगता है उनका सिलेक्शन सो गया है या वो आराम से सो रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं वे भी हो सकता है जी है कि नहीं हाँ जी हाँ जी तो आप लोग जितना हो सके क्लास को शेयर जरूर कीजिए जितना बन सके आपसे ठीक है आपको शेयर करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा आपको शेयर करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा FVP पे इतना इतना ग्रुप 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 है है स्टडी आप सभी में जरूर ज्वाइन हुए होंगे अगर आप शेयर कर देते हैं फैला देते हैं तो मानते हैं अगर आपने एक सौ लोगों को शेयर किया तो दस लोग तो जरूर आएंगे जरूर आएंगे जिन्हें क्लास अच्छा लगेगा ये मैं मानता हूं सभी के सभी नहीं आएंगे लेकिन आप शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स कराइए सर जी अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल सोनी जी छुट्टी हो गई अब छुट्टी होगी क्लास अब छुट्टी हो जाएगी जी आपकी आज की क्लास तो एक घंटा ही चला आपका मैं तो डेढ़ डेढ़ घंटा क्लास लेता हूं आपका ठीक है बिल्कुल प्रेजेंटेशन नहीं होता ना तो क्लास करने में मजा नहीं आता है जी आप लोग जब रहते हैं ना क्लास में बहुत सारे बिल्कुल और देखता हूँ जहाँ पे सरा कड़ा प्रश्न कराते हैं लोग जहां पे क्वेश्चंस का कोई ढंग ही नहीं है क्वेश्चंस का कोई लेवल ही नहीं है ठीक है वहां पर ढेर सारे बच्चे पहुंच जाते हैं जी भर भर के बच्चे पहुंच रहे <laughs> बिल्कुल जी बिल्कुल <laughs> बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल तो क्या कहते हैं मैं आपकी कमेंट देख लेता हूं यहां से फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन कैसे होगी आप सभी छात्रों का आप लोग शेयर जरूर कीजिए हाँ जी हाँ जी शेयर जरूर किया कीजिए कि फैलाइए क्लास को इसलिए कहता हूं ना जी आप लोग शेयर करने से क्या होगा आपके फ्रेंड्स जरूर आते हैं आपके दोस्त भी आते हैं जी क्लास करने में मजा आता है जी जी मजा आता हाँ जी। बिल्कुल आता है है बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स तो क्लास में रहने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू क्लास को करते रहिए फ्रेंड्स क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में चाहिए आपको सिलेक्शन 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 क्या रहिए जी आपको चाहिए सिलेक्शन 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 ठीक है फ्रेंड्स तो क्लास को यहीं पे करना चाहेंगे क्लास को फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और भी ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक 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 नई 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 जोश के एक के साथ साथ एनर्जी ठीक है जी हाँ जी हाँ जी तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स क्लास में रहने के लिए बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए अगली सुबह इंतजार रहेगा आप सभी साथियों का हाँ जी हाँ जी पंकज जी आप आराम से जाइए खाना पीना खा लीजिए डिनर कर लीजिए सो जाइए ठीक है सुबह उठिए एकदम माइंड फ्रेश करके और फिर से क्लास कीजिए ठीक है जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों क्लास में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली क्लास में हाँ जी हाँ जी वेरी वेरी गुड नाइट फ्रेंड्स हमारे तरफ से भी सभी साथियों को वेरी वेरी गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ठीक है जी हाँ जी साथियों बिल्कुल तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पे अदाइन करना चाहूंगा क्लास को बहुत बहुत धन्यवाद हो सकता है कल जीएस की क्लास जो है शाम छह बजे से मैं लगा दूं हो सकता है मैं भी है जैसा किस मैं लगा दूंगा ठीक है बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स क्लास में रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी साथियों को भीड़ देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद